नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महिंद्रा की नई बोलेरो मैक्स पिकअप। अभी हाल ही में महिंद्रा ने दो सेगमेंट में लॉन्च किया है, महिंद्रा बोलेरो मैक्स सिटी पिकअप और महिंद्रा बोलेरो मैक्स एचडी पिकअप। एचडी में आपको तीन वेरिएंट देखने को मिलेंगे, 1.3, 1.7 लॉन्ग यानी कि लंबे डाले में और 1.7 एचडी। इसके अलावा आपको 2 टन की क्षमता वाली भी अब पिकअप आपको महिंद्रा में मिल जाएगी। लेकिन आज हमारे पास 1.7 है यानी 1700 केजी तक का पेलोड इसमें पास है। हालांकि आप मेरे को पता है ज्यादा भी डालेंगे। आज हम इसका फुल डिटेल रिव्यू करने जा रहे हैं कि महिंद्रा ने इसमें क्या नया चेंज किया है, इसका क्या माइलेज आने वाला है, कितनी पेलोड क्षमता है, इसको खरीदने के लिए आपको कितना डाउन पेमेंट देना होगा, कितनी ईएमआई आएगी, पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके आगे के लुक से। अगर हम एक कॉमर्शियल वाहन की नजर से देखें तो काफी अच्छा लुक इसमें आपको मिल जाता है। बीच में महिंद्रा का पुराना वाला ही लोगो दिया गया है। ब्लैक कलर की ग्रिल में क्रोम का इस्तेमाल देखने को मिल जाता है। मजबूत मेटल में बम्पर, रिफ्लेक्टर पट्टी जो कि आजकल अनिवार्य है, यहाँ पे फॉग लैंप लगवाने के लिए आपको जगह मिल जाती है। और यहाँ से आप जो है इजीली गाड़ी को टो कर सकते हैं। बाहर निकला हुआ इसका हुक आपको देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल जो आगे का लुक है काफी अच्छा इसमें आपको देखने को मिल जाता है। आगे आपको जो है पत्ते कबाने वाला सस्पेंशन मिल जाता है, जो ज्यादा लोड उठाने में या फिर ऊबड़ खाबड़ रस्तों में चलने में काफी सक्षम होता है। आगे आपको 7 पत्ते कबाने सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। और इंडिकेटर के साथ वाली डिजाइन में जबरदस्त हेडलाइट मिल जाती है। ये VXI वेरिएंट है तो इसमें आपको टर्न सेफ लाइट का फीचर्स भी मिल जाता है, जो सेफ्टी के लिहाज से काफी अच्छा होता है। ड्राइवर को काफी अच्छी सुविधा मिल जाती है। ये इसकी आप साइड प्रोफाइल देख सकते हैं, काफी अच्छी है। अच्छी इसमें लंबाई दी गई है, 5060 mm की इसकी ओवरऑल लेंथ देखने को मिल जाती है। तो आगे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो है फेंडर देखने को मिल जाता है, जो काफी अच्छा लग रहा है। छोटा वाला टर्न इंडिकेटर और बोलेरो मैक्स पिकअप की यहाँ पे आपको शानदार सी बैजिंग देखने को मिल जाती है। इसमें आपको 7R 15 इंच के टायर साइज देखने को मिल जाते हैं और 2.0 में आपको 16 इंच के टायर साइज देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे मडगार्ड दिया गया है ताकि कीचड़ से सेफ्टी रहे। और डोर पे आपको शानदार से ब्लू कलर के ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं, जो इसके लुक को काफी अच्छा बना रहे हैं। और इसमें आपको बड़ा सा साइड मिरर देखने को मिल जाता है, जिससे ड्राइवर पीछे आती हुई गाड़ियों को आसानी से देख सके। ये काफी अच्छा है। और इसमें आपको IMX टेक्नोलॉजी की यहाँ पे जो है बैजिंग देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, किसी भी कॉमर्शियल पिकअप या ट्रक की अगर हम बात करें तो इसका मुख्य जो पार्ट होता है वो होता है कार्गो बॉडी, यानी कि इसके डाले में आपको माल लोड करना है, इससे आपकी कमाई होगी। तो डाले की अगर हम बात करें तो 1.7 में भी आपको दो वेरिएंट मिलेंगे, एक 1.7L यानी लॉन्ग और एक 1.7HD। तो ये जो है 1.7HD है। लॉन्ग अगर आप लेते हैं तो इसमें आपको जो डाले की लंबाई है वो पूरे 10 फीट की मिलेगी, लेकिन इसकी जो है आपको 9 फीट डाले की लंबाई मिलेगी और 5 फीट 9 इंच डाले की चौड़ाई देखने को मिलेगी। और हाइट अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं मेरी हाइट लगभग 5 फीट 7 इंच के करीब है। तो यहाँ पे जो है आ रहा है, पहले वाली जो पिकअप है उससे आपको जो है इसकी हाइट जो है ज्यादा देखने को मिलेगी। तो गाड़ी में आप जो सब्जी वगैरह में जो भी आपको काम में लेना है आप अपने एप्लीकेशन के हिसाब से इसको खरीद सकते हैं। और काफी अच्छा जो है आपको इसकी कार्गो बॉडी देखने को मिल जाती है। और 1.7 टन इसमें पेलोड क्षमता पास है, यानी पूरे 1700 kg तक का इसमें RTU पास है। बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको 1.3 मॉडल भी मिल जाता है, यानी 1300 kg पास वाला भी, तो वो भी आप अपने बजट के अनुसार ले सकते हैं। इसके अलावा 2.0 यानी 2 टन की पेलोड क्षमता वाला भी इसमें आपको मॉडल मिल जाता है। तो जब भी वो आएगा उसका भी हम फुल डिटेल रिव्यू करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब अगर हम इसके व्हील बेस की बात करें, यानी अगले टायर से पिछले टायर की दूरी, तो 3290 mm का व्हील बेस दिया गया है, जिससे गाड़ी की जो स्टेबिलिटी है रोड पे माल लोड करके भी चलेगी तो स्टेबिलिटी काफी अच्छी होने वाली है। इसमें आपको 60 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी, यानी एक बार अगर इसमें आप डीजल भरवा लेते हो तो काफी लंबी दूरी तय कर सकते हो। तो ये आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो है इसका डीजल टैंक दिया गया है और जो इसका ग्राउंड क्लीयरेंस है वो भी काफी अच्छा दिया गया है, जिससे आप जो है रूरल एरियाज में या फिर कहीं भी उबड़ खाबड़ रस्तों में चलाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से इसको आप कैसे भी चला सकते हैं। अब हम आ चुके हैं इसके पीछे की प्रोफाइल पे और आप देख सकते हैं इसके जो LED टेल लैंप है वो काफी मस्त लग रहे हैं। आप देख सकते हैं काफी जबरदस्त जो इसका लुक बन रहा है। पीछे बाकी आपको जो है पार्किंग सेंसर जो कि आजकल अनिवार्य है, तो दो इसमें आपको पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। और गाड़ी की हाइट काफी अच्छी दे दी गई है, 1895 mm की। और इसके आप डाले को जो है इजीली खोल सकते हैं और इसमें आपको जो भी माल वगैरह लोड करना है आराम से इसमें भर सकते हैं। काफी अच्छा स्पेस इसमें आपको देखने को मिल जाता है। पीछे के एक्सल पर भी लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिल जाता है 9 कबानी पट्टों के साथ में। और इसमें जो है ये होल बने हुए हैं ताकि बारिश वगैरह आती है तो पानी जो है नीचे चला जाता है, जिससे बॉडी में जंग वगैरह जल्दी नहीं आता। तो पूरा इसमें सोच समझ के काम किया हुआ है।
और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हुक्स वगैरह देखने को मिलेंगे, जिससे आप इसमें माल वगैरह लोड करके रस्सी से इसको बांध भी सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो HD 1.7 की बेजिंग देखने को मिलेगी, और ये शानदार सा इसमें आप ग्राफिक्स भी देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल जो गाड़ी है मेरे को काफी अच्छी लगी। और को ड्राइवर वाली सीट काफी लंबी दी गई है, दो पैसेंजर बैठ सकते हैं और इसकी सीटिंग काफी कंफर्ट लग रही है। वॉक थ्रू इसमें आपको केबिन मिल जाता है, जिससे ड्राइवर इस साइड से भी उतरना चाहे तो आराम से उतर सकता है। बाकी ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों सीट पे आपको जो है हेडरेस्ट भी देखने को मिल जाता है एडजस्टेबल। चलिए अब चलते हैं इसके अंदर, इसका इंटीरियर और ड्राइवर सीट वगैरह आपको दिखाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फुट स्टेप दिए गए हैं, आराम से पैर रखकर इसमें चढ़ सकते हैं क्योंकि हाइट इसमें काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। और यहाँ से जो हाइट है वो काफी अच्छी दी गई है, कितनी भी लंबी ड्राइवर की हाइट हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऊपर जो है टच नहीं होगा। और ये आप इसकी स्टीयरिंग वगैरह देख सकते हैं, काफी कम्फर्ट मेरे को जो है इसकी सीटिंग वगैरह लग रही है। सीट की हाइट को आप जो है एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, ऊंचे नीचे भी कर सकते हैं। तो ड्राइवर की जो कम्फर्टनेस के लिए काफी कुछ महिंद्रा ने काम किया है। बाकी पावर स्टीयरिंग में जो है इसमें आपको देखने को मिल जाता है, काफी खुला खुला इसमें आपको जो है केबिन देखने को मिलेगा। और कम से कम 100 mm पहले जो पिकअप आती थी उससे आपको बड़ा देखने को मिलेगा, बिल्कुल खुला खुला केबिन है और काफी कंफर्टेबल सीट है। यानी ड्राइवर के जो कंफर्ट के लिए इसमें महिंद्रा ने इस बार थोड़ा काम किया है, ड्राइवर जो है आराम से बैठ सकता है, ये आप देख सकते हैं। और जो ड्राइवर सीट है उसकी भी हाइट आप एडजस्ट कर सकते हैं आराम से। ड्राइवर के अलावा इसमें आपको जो है को ड्राइवर वाली जो सीट है वो भी काफी बड़ी दी गई है, आप देख सकते हैं दो पैसेंजर बिठाने के लिए जगह दी गई है। यानी जो केबिन है इसमें आप ड्राइवर समेत 3 पैसेंजर आराम से बैठ सकते हैं, तो काफी शानदार दिया गया है। और इसके अलावा इसमें आपको जो है टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम दिया गया है, आप देखने में लग रहा है जैसे कोई कार में बैठे हैं, जिसमें आपको कई सारी जानकारी देखने को मिल जाती है। इसमें आप जो है USB पोर्ट भी दिया गया है, ऑक्स केबल का प्रयोग भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप मेमोरी कार्ड वगैरह भी लगा सकते हैं। और इसमें आपको जो है भर भर के कई सारे फंक्शन दिए हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह जो है कर सकते हैं, और यहीं से आप जो है फोन वगैरह लगा सकते हैं, यहीं से उठा सकते हैं और आराम से जो है इसमें बात वगैरह कर सकते हैं। तो काफी अच्छा इसमें जो है फीचर्स देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो हजार्ड बटन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको जो है 12 वोल्ट का चार्जर सॉकेट दिया गया है मोबाइल को चार्ज करने के लिए, यहाँ पे थोड़ा स्पेस दिया गया है। और यहाँ पे हैंडल दिया गया है, को ड्राइवर में अगर गाड़ी तेज चल रही है तो यहाँ पे आप आराम से पकड़ सकते हैं, यहाँ पे स्पेस दिया गया है, कुछ भी अगर आप रखना चाहें तो आप इजीली रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है लोकेबल ग्लोव बॉक्स देखने को मिल जाता है, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ रखना होता है जैसे कि आपके RC हुई, इंश्योरेंस हुआ, उसको रखकर यहाँ पे आप इसको लॉक भी कर सकते हैं। हालांकि आपको यहाँ पे जो है पावर विंडो देखने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ऊपर यहाँ पे आपको जो है ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों साइड में सनवाइजर देखने को मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे रियर व्यू मिरर देखने को मिल जाता है, और ये आप इसका गियर लीवर देख सकते हैं, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं और काफी इजी देख सकते हैं, काफी इजी लग रहे हैं। तो अब जो है गाड़ियां जो है काफी सॉफ्ट बन रही हैं। और ये जो पिकअप है BS6 Phase 2 इंजन वाली पिकअप है, तो ये काफी जो है आपको अच्छा माइलेज देगी, कम मेंटेनेंस और चलाने में काफी आरामदायक होगी। तो अभी हम इसका रनिंग टेस्ट भी करेंगे तो आपको जरूर दिखाएंगे। और यहाँ पे बीच दोनों सीटों के बीच में आपको जो हैंड ब्रेक देखने को मिल जाता है, आराम से गाड़ी को आप हैंड ब्रेक लगाकर खड़ी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैक वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, स्टेपनी के पाने वगैरह जो है ये सभी यहाँ पे रखे हुए हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर आपको कोई कैरी बैग वगैरह टांगना है तो आपको यहाँ पे जगह दी गई है। इसके अलावा पीछे इसके यहाँ पे रीडिंग लैंप देखने को मिल जाता है, ज्यादातर गाड़ी में आगे होता है लेकिन इसमें पीछे दिया गया है। इसमें आपको जो है पीछे स्लाइडिंग ग्लास मिल जाता है, ड्राइवर जो है पीछे से आराम से देख सकता है, और ज्यादा गर्मी वगैरह होती है तो इसको आराम से खोलकर हवा वगैरह ले सकता है। इसमें हवा के लिए यहाँ पे एयर कर्टन भी दिए गए हैं, जब गाड़ी पूरी तरह से बंद होती है तो यहाँ से जो है आप हवा वगैरह ले सकते हैं। बाकी सीट बेल्ट वगैरह जो कि अनिवार्य है वो तो लगी हुई इसमें आपको जो है देखने को मिल जाते हैं। और ये आप इसका स्टीयरिंग देख सकते हैं, ये पावर स्टीयरिंग दी गई है। तो ड्राइवर की जो है सुविधा के लिए इसमें काफी कुछ अच्छा कर दिया गया है, ड्राइवर जो है आराम से लंबी दूरी तय कर सकता है बिना थके। और सीट में बैठा हूँ वो यार वास्तव में काफी ज्यादा कम्फर्ट है, जिससे ड्राइवर जो है लंबी दूरी तय करेगा, ज्यादा गेड़े करेगा तो कमाई भी ज्यादा होगी। इसके अलावा इसमें IMX टेक्नोलॉजी दे दी गई है, जिससे मालिक वगैरह को सब पता रहता है, GPS वगैरह इसमें कंपनी फिटेड आता है, तो गाड़ी को जो है हम ट्रेस वगैरह कर सकते हैं, गाड़ी कहाँ चल रही है, कहाँ नहीं चल रही है, गाड़ी में क्या दिक्कत आ रही है, पूरी जानकारी जो इसमें ले सकती है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम IMX टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए भाई अब आपको इसमें दिखाते हैं इसका डिजिटल क्लस्टर मीटर। ओ भाई ये आप देख सकते हैं बिल्कुल कार के जैसा इसमें मीटर दिया गया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड में जो है इसका RPM वगैरह शो करेगा, यहाँ पे जो है स्पीड बताएगा कि कितने किलोमीटर की स्पीड में गाड़ी जो है दौड़ रही है। यहाँ पे जो है अभी गाड़ी न्यूट्रल है तो यहाँ पे N का सिग्नल आया हुआ है, और यहाँ पे गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी है, क्या समय हुआ है, पूरा टाइम वगैरह जो है बीच में आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इसमें जो डोर वगैरह ओपन होता है वो भी इसमें सिग्नल देखने को मिल जाता है। यहाँ पे टेम्परेचर बताएगा यानी कूल एंड हॉट वगैरह वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो है ये फ्यूल की बत्ती वगैरह
रही है ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, या तो काफी खुला खुला इसमें आपको जो है देखने को मिल जाता है, और कोई भी उम्र का ड्राइवर हो आराम से इसमें पढ़ सकता है गाड़ी की स्पीड वगैरह जो है, कितने किलोमीटर चली है, ट्रिप मीटर वगैरह सब जो है आराम से देख सकता है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत स्पेस दिया है, तो स्पेस इसमें आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। हाइट अगर इसमें अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं ऐसे लग रहा है जैसे किसी ट्रक में बैठे हैं, हाइट इसमें आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। और इसके इंजन का साउंड सुनाते हैं, इंजन का साउंड वगैरह आप सुन सकते हैं, तो महिंद्रा की जो बोलेरो आती है सेम वही इसमें जो है साउंड देखने को मिल जाता है। हालांकि अब थोड़ा वाइब्रेट तो गाड़ी जो है कर रही है। महिंद्रा ने BS6 फेज 2 में इंजन पावर बढ़ा दिया गया है, 80 HP पावर के साथ 220 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है, जबकि पहले वाली पिकअप में आपको 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क ही देखने को मिलता था। यानी इसके इंजन की जो खींचने की क्षमता है टॉर्क 20 Nm का बढ़ा दिया गया है। इसमें आपको 15 KMPL के लगभग माइलेज मिल जाएगा, बाकी ड्राइवर के चलाने पे और लोड पे निर्भर करता है कितना माइलेज आता है। और कच्चे रस्तों में तो महिंद्रा पिकअप हमेशा से ही काफी सक्षम है, तो इसको हमने जो काफी ज्यादा रेत में इसको चलाया तो गाड़ी में कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से अच्छा इसमें जो है पिकअप देखने को मिल रहा था। और इसमें जो है पहले के बजाय अब टॉर्क जो भी जो है बढ़ा दिया गया है, तो इसमें आप जो है काफी अच्छा लोड लेके आराम से चल सकते हैं। बाकी रोड पे तो आपको पता ही है काफी अच्छा इसमें आपको जो है पिकअप देखने को मिलेगा। प्राइस की बात करें तो बोलेरो मैक्स पिकअप 1.7 HD VXI मॉडल की एक शोरूम प्राइस है 9,83,000 रुपए, जो कि पूरे इंडिया में सेम है। इंश्योरेंस 30,000 रुपए, इसमें कोई डीलर 2,250 रुपए की छूट दे सकता है, तो आप देख सकते हैं 8-1,22,400 ये राजस्थान का है। अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो कहीं रोड टैक्स कम है कहीं ज्यादा है, तो वहाँ पे तो 2,250-4,000 रुपए का डिफरेंट आ सकता है, बाकी लगभग सेम है। तो सब मिलाने के बाद ऑन रोड कीमत हो जाती है 11,35,400 रुपए। अगर आप अपनी पुरानी पिकअप एक्सचेंज में देते हैं तो आपको 10,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस भी मिल जाएगा, और अगर आप अपनी फर्म के नाम से लेते हैं तो आपको 3,000 रुपए का अतिरिक्त कॉर्पोरेट ऑफर भी मिल जाएगा। इसकी ऑन रोड कीमत 11,35,400 रुपए का 90% निकालते हैं तो 10,21,860 होता है, लेकिन हमने राउंड फिगर में 10,20,000 रुपए का लोन किया है, तो डाउन पेमेंट आपको देना होगा 1,15,400 रुपए। यानी कि मात्र 1,15,400 रुपए में गाड़ी घर ले जा सकते हैं, बाकी का पैसा आप EMI में पे कर सकते हैं और अपना काम धंधा वगैरह चालू कर सकते हैं। तो कम से कम आप इतने डाउन पेमेंट में गाड़ी घर ले जा सकते हैं। अगर आप डाउन पेमेंट ज्यादा देना चाहते हैं तो ज्यादा भी दे सकते हैं, आपको ब्याज कम लगेगा। अब देखें कि किस्त कितनी आएगी, यानी EMI की बात करें तो अगर आप 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं 10,20,000 रुपए का, तो 22,177 रुपए की 60 EMI आएंगी, 3,10,620 रुपए का ब्याज देना होगा। वहीं अगर आप EMI बड़ी बनवाना चाहते हैं ताकि ब्याज कम लगे, तो फिर 4 साल के लिए भी करवा सकते हैं, जिसमें 26,362 रुपए की 48 EMI आएंगी और 2,45,376 रुपए का इंटरेस्ट पे करना होगा। ये ब्याज दर 11% की रिड्यूसिंग रेट से की गई है। अगर आपका सिविल अच्छा है, आपका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, रिटर्न फाइल वगैरह है, तो ब्याज दर थोड़ी कम भी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि EMI थोड़ी छोटी आए, ब्याज कम लगे, आपके पास क्षमता है ज्यादा डाउन पेमेंट देने की, लगभग 4 लाख रुपए तक आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं, फिर चाहे वो कैश हो या फिर अगर आप कोई पुरानी गाड़ी एक्सचेंज में दे रहे हो, 5 साल के लिए अगर आप 7,35,400 रुपए का फाइनेंस करवाते हैं तो 15,990 रुपए की 60 किस्त आएंगी और 2,23,940 रुपए का ब्याज देना होगा। वहीं अगर आप 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो 19,007 रुपए की 48 EMI आएंगी और 1,76,936 रुपए का ब्याज देना होगा। तो आप डाउन पेमेंट जितना ज्यादा देना चाहते हैं उतना दे सकते हैं, आपको ब्याज कम लगेगा। और ये एक कमर्शियल व्हीकल्स है, क्योंकि इसे आप कमाकर देने वाले हैं, तो इसमें आपको कोई खास इनकम प्रूफ की जरूरत नहीं होती, नॉर्मल KYC डॉक्यूमेंट्स में लोन हो जाएगा। अगर आपको फाइनेंस डॉक्यूमेंट की पूरी जानकारी चाहिए, कैसे लोन होता है कैसे नहीं होता है, तो हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें, उसमें हम पूरी जानकारी देंगे। और इस पिकअप से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, खरीदना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और प्लीज लाइक करना ना भूलें।